गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन. ओके गुड, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू. नाउ टेक आउट योर पर्ल्स बुक. दिस इज योर पर्ल्स बुक. आवर सब्जेक्ट इज मैथ्स. ओके, इन लास्ट लेक्चर वी विल स्टार्टेड द डिविजन न्यू चैप्टर. एम आई राइट? ओके, नाउ ओपन योर बुक स्टूडेंट्स. पेज नंबर इज 123. ओके, आई थिंक वी विल कंप्लीटेड दैट प्रॉपर्टीज. ओके, वी हैड डिस्कस ना, यस और नो? प्रॉपर्टीज, यस वी हैड डिस्कस्ड. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न द डिवीजन बाय अ वन डिजिट डिविजिबल. ओके, आज हम लर्न करेंगे कि एक नंबर से डिवीजन कैसे करते हैं. देन उसके बाद एक और चीज लर्न करेंगे, चेकिंग डिवीजन. ओके, उसमें क्वोशेंट रहता है, डिवाइजर रहता है, रिमाइंडर रहता है. ठीक है, हम डिवीजन को कैसे चेक कर सकते हैं, हम वो वाला मेथड भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हम अपना स्टार्ट करते हैं डिवीजन बाय अ वन डिजिट डिविजर. डिवीजन बाय ए वन डिजिट डिवाइजर. ओके, वन डिजिट नंबर से हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, देखो एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल वन में दिया है डिवाइड 8,232 बाय 3. ठीक है, अब डिवीजन करने के लिए आपको क्या याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स? टेबल. थ्री का टेबल सबको याद है? यस और नो? यस, वेरी गुड. ओके, सो थ्री के टेबल में 8 से पहला नंबर देखेंगे. ठीक है, पहला नंबर देखो, थ्री के टेबल में 8 से छोटा कौन सा आता है? देखो, थ्री वन जार 3, थ्री टू जार 6, थ्री थ्री जार 9. 8 से बड़ा कौन सा नंबर है? 9. तो 9 हम नहीं लिखेंगे, 8 से जो छोटा नंबर होगा वो लिखेंगे. तो 3 2 जार क्या आ रहा है? 6. सो 3 इधर 2 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 6. अब ये 3 2 जार 6 हुआ ना, तो ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स आपको इधर लिखना है, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपको ऊपर लिखना है. ठीक है, समझ आया आपको ये चीज? ओके, वेरी गुड. अब 8 में से 6 किया तो कितना बचा? इसको आप माइनस करते जाएंगे. सो 8 में से 6 किया तो कितना बचा स्टूडेंट्स? 2. वेरी गुड. ओके, नाउ 2 को हम नीचे उतारे, अब सेकंड नंबर को नीचे उतार देंगे. सो 22, 3 के टेबल में 22 से छोटा नंबर कौन सा है ये बताओ. यस, 3 7 जार 21. वेरी गुड. नाउ 2 में से 1 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स? 0. 2 में से 2 गया तो कितना बचा? 0. सॉरी, 2 में से 1 गया तो 1 बचा. सॉरी स्टूडेंट्स. नाउ अब ये 3 है ना, 3 इसको उतारेंगे. ठीक है, अब 3 के टेबल में 13 से छोटा नंबर बताओ. 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15. तो 15 जो है वो बड़ा है 13 से. कौन सा छोटा है? 12. 12 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स. 3 4 जार 12. ओके, नाउ 3 में से 2 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स? 1. और 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0. ओके, अब ये जो 2 बचा है हम इसको नीचे उतार देंगे. ठीक है, 12 आया, 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स. सो 4 लिखेंगे इधर, देन इधर लिखेंगे 12. और 12 में से 12 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 0. इसे क्या कहते हैं हम? रिमाइंडर. क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. और इसे क्या बोलते हैं? क्वोशेंट. क्या बोलते हैं? क्वोशेंट. वेरी गुड. और इसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर. क्या बोलते हैं? डिवाइजर. और इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिविडेंड. क्या बोलते हैं? डिविडेंड. समझ आया? इसे क्या बोलते हैं आंसर को? क्वोशेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड,
देन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविजर, और स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. ओके वेरी गुड. नाउ नाउ वी विल लर्न दी अनदर टॉपिक दैट इज चेकिंग एडिशन, चेकिंग सॉरी डिविजन. ओके अब चेकिंग डिविजन में स्टूडेंट्स एक मेथड, एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला है क्या है, फॉर्मूला. इसको आप नोट करो अपनी CW में, कोशंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. ओके डिविडेंड फाइंड करने के लिए कोशंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, ये है आपका फॉर्मूला. क्या है ये आपका फॉर्मूला, समझ आए आपको ये चीज. अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो ही आप चेक बाय डिविजन मेथड कर सकते हो. ठीक है नाउ स्टूडेंट लेट सी द एग्जाम्पल. ओके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है तो जैसे कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है कि 6686 को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है. ठीक है अब इसमें बोला गया है चेक बाय डिवीजन मेथड, तो चेक बाय डिवीजन मेथड में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है तो पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे. ओके 4 से, 4 का टेबल सबको आता है. ओके तो बताओ 4 के टेबल में 6 से छोटा नंबर कौन सा है. यस 4 वंस आर 4, 4 छोटा है. सो 6 में से 4 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 2 बचा. देन ये जो 6 है इसको हम नीचे उतार देंगे. सो 26 हो गया 4 के टेबल में. 26 से छोटा नंबर कौन सा है, 4 वंस आर 4, 4 टू जार 8, 4 थ्री जार 12, 4 फोर जार 16, 4 5 are 20, 4 6 are 24, 4 7 are 28, 28 26 से बड़ा है, कौन सा छोटा है 24, तो 4 6 are 24. Now 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा. ओके नाउ 8 हम उतारेंगे नीचे, 28 आ रहा है. तो 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स आता है, 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स आता है, 4 7 are 28. वेरी गुड. नाउ 28 में से 28 जाएगा तो 0 बचेगा. देन उसके बाद 6 को हम उतार देंगे नीचे, 4 के टेबल में 6 से छोटा कौन सा नंबर आता है, 4 वंस आर 4. सो हमारा रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट्स, 2 आया रिमाइंडर. ये है हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा क्वोशंट, ये है हमारा डिविजर, और ये है हमारा डिविडेंड. क्या है ये डिविडेंड, ये आपको पता है ना. अब ये फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशंट. क्या है आपका स्टूडेंट्स क्वोशंट, ये रहा पहले क्वोशंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर. आपको पहले फॉर्मूला लिखना है देन उसके बाद क्वोशंट क्या है, 1671 इनटू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है आपका 4 है और रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स 2. तो 1671 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 4 4, 7 4 28, 8 इधर 2 कैरी ओवर, 6 4 24, 24 प्लस 2 26. नाउ 1 4 4 5 6, सो 6 6 8 4 प्लस 2 कितना आया, 6 6 8 6 आया. देखो 6 6 8 6 अगर आंसर आपका आ जाता है, मतलब डिविडेंड आपका आंसर आ जाता है, तो यानी कि आपका जो रिमाइंडर जो आया है और जो आंसर आया है वो क्या है आपका करेक्ट है. समझ आया कैसे चेक करते हैं, आपको समझ आया ये पार्ट. ये जो क्वोशंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर था ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है क्वोशंट ये रहा, डिवाइजर ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको मैंने प्लस कर दिया 2 से, मेरे रिमाइंडर से प्लस कर दिया. तो रिमाइंडर से प्लस करने के बाद क्या आया आंसर स्टूडेंट्स, आंसर हमारा डिविडेंड आया.
समझ है आपको ये पार्ट? नाउ लेट्स सी दी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.1, ओके सी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन ए में क्या करना है? फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स इफ एनी, इनके क्वोशंट और रिमाइंडर ढूंढना है। तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? है फर्स्ट है 8445 डिवाइड बाई 4। 4 से हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है? चलो डिवाइड करते हैं 8445 4, ओके 4 2s are 8 होता है ना स्टूडेंट्स? अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है तो 4 का टेबल लिख लो, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40, ओके ये आपने टेबल लिख लिया। अब टेबल आपने लिख लिया है पर इसको रफ में लिखना, ठीक है? रफ में लिखना, किस में लिखना है? इधर ऊपर रफ लिखना, ठीक है? नाउ 4 2s are 8, 0, अब 4 उतार देंगे। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स। अब वापिस से 4 उतार लेंगे, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स। अब उतार लेंगे 5, सो 4 के टेबल में 5 से छोटा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 4 है, कितने टाइम्स आता है वो? 1 टाइम आता है। सो ये हो गया ये। अब पूछा था इसमें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या आया स्टूडेंट्स हमारा? 2111। और रिमाइंडर क्या आया आपका? 0। क्या आया आपका रिमाइंडर? 0। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपको ऐसे करना है, समझ है स्टूडेंट्स आपको? ओके वेरी गुड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है? डिवाइड एंड चेक योर आंसर। डिवाइड करना है देन उसके बाद हमें उसे चेक करना है, ठीक है? अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है 9030 को 7 से डिवाइड करना है। सो 7 के टेबल में 9 से छोटा नंबर कौन सा है? 7 1s are 7, 7 2s are 14। सो 7 जो है वो छोटा है, 7 1s are 7, समझ आया? 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2, और ये 0 नीचे उतार देंगे। 7 के टेबल में 20 से छोटा नंबर कौन सा है? 14 है, 7 2s are 14, ओके? नाउ 0 में से 4 गया तो, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो ये 3 को हम नीचे उतार देंगे। 7 के टेबल में 63 आता है स्टूडेंट्स, बताओ फटाफट, 7 के टेबल में 63 आता है, यस और नो? यस, वेरी गुड। 7 के टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स। 7 9s are 63, वेरी गुड। नाउ ये 0 अकेला बच गया है, तो ये 0 को भी हम इधर लिख देंगे, ठीक है? अब ये जो लास्ट में जो 0 बच जाए वो लिख सकते हैं, बट अगर 1 बचे तो नहीं लिखने का, 1 को नीचे एज इट इज लिख देने का, ठीक है? अब ये होने के बाद स्टूडेंट्स हमको चेक करना है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन इज इक्वल टू इनटू डिवाइजर इनटू प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट्स? 1290 इनटू डिवाइजर है हमारा 7 और रिमाइंडर है हमारा 0। तो 1290 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 07s are 0, 9 7s are 63, 3 इधर 6 इधर, ठीक है? 2 7s are 14, 14 plus 6 20, तो 0 इधर 2 कैरी ओवर। 1 7s are 7, 7 plus 2 9। तो देखो स्टूडेंट्स डिविडेंड हमारा क्या आ गया है? आ गया है। तो यानी कि जो ये हमारा आंसर है और ये जो रिमाइंडर है वो क्या है हमारा? करेक्ट है, समझ आया? आपको इसी तरह करना है, ठीक है? अब आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1, पेज नंबर है 126,
क्वेश्चन ए ऑन एंड क्वेश्चन बी इन सी डब्ल्यू। ओके, आपको ये होमवर्क करना है सी डब्ल्यू की बुक में, ठीक है? सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।